Hello friends, I welcome you in Saifi philosophy channel. Today my topic is false praise and self-importance. Our friends, jitne bhi log is duniya mein hain, wo sabhi ye chahte hain ki unki tareef ho. Tareef sunna sabhi ko acha lagta hai. Matlab aise bahut kam shakhs hai jo ye kahenge ki hame we don't like ke koi hamari tareef kare. Aur lekin problem ye hoti hai ki jo tareef hoti hai to wo bilkul sacchi tareef hai aur ek hai jhooti tareef. तो ज़्यादातर हमारे माशरे में हमारी सोसाइटी में झूठी तारीफ का रिवाज पड़ गया है, यानी कि हर कोई चापलूसी कर रहा है, झूठी तारीफ कर रहा है और उसके पीछे उसका मकसद कुछ लालच, कुछ हासिल करना है। भाई हम किसी की तारीफ क्यों करते हैं? या तो हमें कुछ खौफ होता है जिससे हम बचना चाहते हैं, या कुछ चीज़ हासिल करनी होती है, या फ्यूचर में कुछ हासिल करना चाहते हैं और या फ्यूचर में उससे बचना चाहते हैं। ये चार उसके पहलू हैं। तो सेल्फ इम्पोर्टेंस जैसे कि मैंने लिखा है, तो इंसान इससे क्या होता है, खुद को कुछ अहमियत देने लगता है। जब मैं तुम्हारी बार बार तारीफ करूंगा वो तुम्हारे में वो चीज़ है नहीं, तो तुम ये समझने लगोगे कि आई एम समवन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इज़ वेरी ग्रेट पर्सन। सो इसीलिए हम झूठी तारीफ सुन सुनकर हमारे अंदर एलिगेंस आ जाता है और हम जो है घमंडी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तारीफ जब कोई आपकी करे तो ये समझ लीजिए कि वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। मतलब वो आपको उसे शायद खुद भी ना पता होए, लेकिन वो आपको घमंडी बना देगा और आपको लेजी बना देगा। आपका दोस्त वो होता है जो आपको बुराई से रोके और आपसे ये कहे कि तुम्हारे अंदर ये फॉल्ट है, इसे दूर करो। तो ये तुम्हारा फ्रेंड रियल माइंड में है। लेकिन आज के टाइम में हमने फ्रेंड की डेफिनेशन बदल दी है। जो लोग हमारी दिन रात झूठी तारीफ करते रहते हैं जबकि हमें मालूम है कि वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी वी लाइक इट और हम उस तारीफ से इतने खुश होते हैं कि हम उसे सबसे अच्छा फ्रेंड समझने लगते हैं। देखिए, जब जो भी आपकी बुराई करता है ना, वो आपका दुश्मन नहीं है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप सोचिए, थोड़ा गौर कीजिए, बल्कि वो आपको ये बता रहा है कि तुम बेहतर बनो। किसी शायर ने कहा है कि अगर लोग इसी तरह से मुझ में खामियाँ निकालते रहे तो बस मुझ में अच्छाइयाँ बच जाएंगी। एक इतनी ज़्यादा मतलब मीनिंगफुल लाइन है कि लोग अगर मुझ में कमियाँ निकालते रहे तो बस मुझ में खूबियाँ बच जाएंगी। तो जो लोग आप में कमियाँ निकाल रहे हैं तो ये मान लीजिए आपके अंदर से कमियाँ निकाल रहे हैं, आप उन्हें दूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें अपना एनिमी बना लीजिए। तो दिस इज़ नॉट गुड। तो फॉल्स प्रेज से आप बचें। ये बिल्कुल, ये मान लीजिए कि जो जानवर होता है, जंगली जानवर जो शिकार करता है, बिल्कुल तारीफ करने वाला इंसान उस वाइल्ड एनिमल की तरह है जो आपको एक दिन बिल्कुल मार देगा। और सेल्फ इम्पोर्टेंट, देखिए खुद को अहमियत देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अहमियत जो दो उसके पीछे वजह होनी चाहिए और वो क्वालिटी होनी चाहिए आपने। आप दूसरों को कुछ भी नहीं समझते तो ये सेल्फ इम्पोर्टेंस नहीं है, ये तो एरोगेंस है, ये घमंड है, ये सब निकलिए। तो प्लीज़ झूठी तारीफ, तारीफ सुनिए ही मत, आप झूठी हो सच्ची हो, कोई अगर आपकी तारीफ करे तो समझ लीजिए कि इसमें कुछ गड़बड़ है और ये मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। जो आपकी कमियां बताए वो आपका रियल फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है, आप उसके साथ रहिए। तो ये मैंने आज इसके बारे में कुछ बताया क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हर कोई तारीफ सुनने में लगा हुआ है। अब किसी को उसमें वो क्वालिटी है भी नहीं, दूसरा कह दे यार तू तो बिल्कुल ग्रेट आदमी है, तुझसे तो बेहतर आदमी नहीं है, तो एकदम से खुश होने लगता है। तो ये हमारी इग्नोरेंस है। सो प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ इट और जस्ट नो योर सेल्फ। आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स, प्लीज नो योर सेल्फ। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने काफी। सो अगले लेक्चर में कुछ और टॉपिक लेकर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।